गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट कीप योर मोबाइल एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। लेट्स स्टार्ट द क्लास। यस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट दैट व्हाट इज ए कंप्यूटर एंड व्हाट इज ए एबेकस और व्हाट इज द प्रिंसिपल टू ऑपरेट द कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, एबेकस क्या है, या हम किस प्रकार कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। लेट्स मूव ऑन। व्हाट इज पास्कल आई, हु इन्वेंटेड इट। समय के अनुसार एबेकस के बाद और भी मशीनें इन्वेंट होती चली गई, उन्हीं में से एक थी आपकी पास्कल आई। पास्कल आई इज ए सिंपल कैलकुलेटिंग मशीन। यह एक साधारण गणना करने वाली मशीन यंत्र था। एक लुक्स, यह दिखती थी लाइक ए न्यूमेरिकल व्हील, जैसे आपके व्हील होते हैं, ठीक है ना। पहले टाइम पे जो आपकी रेडियो होती थी उसमें व्हील से लगे होते थे, इस तरह से दिखाई देती थी। इन 1642 1642 में ब्लेज पास्कल इन्वेंटेड इट। ब्लेज पास्कल ने इसको बनाया। दिस मशीन कुड एड एंड सब्ट्रैक्ट नंबर्स 0 to 9। यह मशीन प्लस तथा माइनस कर सकती थी किंतु 0 to 9 यानी अप टू 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स हैं, हम उनके ऊपर वर्क कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड जतवार लूम एंड व्हेन। After the base pascal line, in 1804, in France में Joseph Jacquard, ये कोई इसके inventor है, invented a way to control the pattern on a weaving loom used to make cloth. ये कौन थे, ये एक बुनकर थे, जिनका काम क्या था, जो आपके क्लोथ होते हैं उनके ऊपर बुनाई करने का वर्क होता था। तो जो बुनाई है वो एक प्रॉपर वे में आई, पैटर्न एक सही सिस्टमेटिक तरीके से हो, तो उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई जिसके द्वारा हम क्या कर सकते थे, कपड़ों में कलर देने का काम कर सकते थे, डिजाइनिंग का काम हम लोग कर सकते थे। इस मशीन का नाम क्या था, जैक्वार लूम, और इसको जोसेफ जैक्वार ने 1804 में बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन चार्ल्स डेविस डिफरेंस इंजन। आपको बताना है जो चार्ल्स डेविस है उनकी डिफरेंस इंजन एक मशीन है, वो क्या है, वो क्या काम कर सकती थी। इन 1822 एन इंग्लिश मैथमेटिक्स प्रोफेसर, ये प्रोफेसर थे जिनका नाम क्या है, चार्ल्स बेबेज, डिजाइन किया उन्होंने क्या, फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटिंग मशीन, जो प्रथम सामान्य कंप्यूटिंग मशीन का उन्होंने बनाया, सामान्य तौर पर गणना करने वाला एक यंत्र। इट वर्क्स एज ए मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन, ये जो काम करती थी यह करती थी एक जैसे मैकेनिकल कंप्यूटर होते हैं आपके, ये उसके ऊपर वर्क करती थी। इसीलिए जो इससे पहले जो मशीन बनी थी उसमें क्या था, कुछ प्रॉब्लम्स होती थी जब हम कैलकुलेटिंग करते थे, ठीक है ना, तो कैलकुलेटिंग करते हुए कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम्स रहती थी, उसी को रिमूव करने के लिए चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन को बनाया। और जो भी इसका सारा खर्चा था वह जो वहाँ की गवर्नमेंट है, जो ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है, सब उन्होंने इनको दिया, जो भी इसमें लागत आई थी उसमें हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन तैयार करना है, व्हाट डू मीन बाय द वर्ड एबेकस, जो एबेकस है केवल आपको उसका अर्थ बताना है, ठीक है ना, कि उसका अर्थ क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू लर्न एंड राइट ऑल दिस वर्ड। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन मैसेज और कॉल मी। थैंक यू। Have a nice day.